अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इंडियन फिल्म एक्ट्रेस हुमा कुरैशी का कहना है कि जब मैं पैदा हुई थी तो मैं मुस्लिम थी, लेकिन इस वक्त मेरा कोई मजहब नहीं है। वो कहती है कि जैसे हिंदू लोग दिवाली मनाते हैं, ये मुसलमानों के ईद की तरह है, तो दिवाली मनाने में कोई हर्ज नहीं है। तो आइए सुनते हैं इस पर डॉक्टर जाकिर साहब क्या कहते हैं। I was raised a Muslim, but I have played Krishna at every Janmashtami. जग पे हम लोग जाते थे तो पाँव को ना धोते हैं, पूजा करते हैं, दिवाली मनाते हो आप, होली मनाते हो, ईद भी उतने मजे से मनाते हो। पार्ट नंबर 7 में, श्लोका नंबर 20 में, All those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं की पूजा करता है। और कुछ तर्जुमा भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो आदमी पैसे के पीछे भागता है वो बुत परस्ती करता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है पाठ नंबर 10 में, श्लोका नंबर 3 में, मैं भगवान पैदा नहीं हुआ हूं, मेरी शुरुआत नहीं है, मैं सारे आलमों का रब हूं। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्ष नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशंति या असंभूति मुपास्ते। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म, अंधकार में प्रविशंति, दाखिल हो रहे हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते, असंभूति की माने नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग, यजुर्वेद में लिखा हुआ है अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूछते हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग। और आगे लिखा हुआ है और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, जैसे टेबल, कुर्सी, बुत वगैरह। अगर आप कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। लिखा हुआ है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्रा नंबर 8 में, उस भगवान का कोई भी अक्ष नहीं है और वो पाक है। अथर्ववेद में आता है, ये अथर्ववेद, अथर्ववेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 20 में, पाठ नंबर 58 में, मंत्रा नंबर 3 में, देव महाअसी, महान है वो खुदा। और सबसे अहम वेद है ऋग्वेद, यह है ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 1 पाठ नंबर 164 मंत्रा नंबर 46 में, इक्कम सत विप्र बहुधा विदान्ते, जिसके मानी है सत्य एक है, खुदा एक है, और संत उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। और एक जगह लिखा हुआ है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 114 मंत्र नंबर 5 में, कि आप भगवान को, आप खुदा को कई नामों से पुकार सकते हैं। और ऋग्वेद में सिर्फ किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 में 33 सिफत, 33 नाम खुदा के दिए गए हैं। इनमें से एक है ऋग्वेद,
किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में ब्रह्मा, ब्रह्मा कहते हैं अंग्रेजी में क्रिएटर, जब हिंदी में कहते हैं इसे कहते हैं बनाने वाला, और जब उर्दू या अरबी में कहते हैं इसे कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई अल्लाह को खालिक कह रहा है या बनाने वाला कह रहा है या क्रिएटर पुकार रहा है, लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो है और उसको एक अक्ष देता है, एक प्रतिमा देता है और कहता है कि उसके चार सिर है और हर सिर पे एक मुखट है, तो हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप श्वेता सितारा उपनिषद पाठ नंबर 4 श्लोक नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा उस भगवान का कोई भी प्रतिमा नहीं है। और एक नाम ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में है विष्णु। विष्णु अंग्रेजी में है सस्टेनर, चेरिश, हिंदी में हम कहेंगे पालने वाला, उर्दू या अरबी में कहेंगे रब। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि अल्लाह रब है या पालने वाला है या चेरिश या सस्टेनर है, लेकिन अगर कोई शख्स विष्णु को कोई अक्ष देता है, कोई प्रतिमा देता है और कहता है कि विष्णु वो खुदा है जिसके चार हाथ है, एक हाथ में है चक्रा, दूसरे हाथ में है शंख, और वो पानी पे जा रहा है सांप के ऊपर या हवा में उड़ रहा है गरुड़ा पे, हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप यजुर्वेद पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा उस भगवान की कोई भी प्रतिमा नहीं है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 8 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 1 में मा चिदन्यति संसद, भगवान एक ही है, सिर्फ उसकी पूजा करो, सिर्फ उसकी तारीफ करो। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 6 भाग नंबर 45 मंत्र नंबर 16 में या एक इतमुष्टि ही, एक ही खुदा है, एक ही भगवान है, उसकी सिर्फ तारीफ करो, सिर्फ उसकी पूजा करो। और हिंदू धर्म में बुनियादी उसूल फंडामेंटल क्रीड है एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते नहना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है, देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। जब हम हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता लगता है हिंदू धर्म में खुदा भगवान का सही तसव्वुर।